हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू की सब्ज़ी। इसके लिए हम मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर घर का बना हुआ है, 5 हरी मिर्च, आप लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 10 काली मिर्च, 2 अदरक के टुकड़े, 6 पीस लहसुन के कली, ये 2 बड़ा साइज का टमाटर हमने कट कर लिया है, 1 बड़ा साइज का प्याज को कट कर लिया। इन सारे मसाले को अब हम मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा कढ़ाही गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे 1 चम्मच। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, तेज़पत्ता डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, इसे ढक के पकाएंगे, टमाटर जल्दी पक जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं, हमारा टमाटर गल चुका है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को ढक के पकाएंगे। हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें मटर डाल देंगे। हम 5 मिनट तक पकाएंगे। हम चेक कर लेंगे, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। हमने 4 बड़ा साइज का आलू को बॉईल कर लिया था और उसे लेंगे। ये सारे सब्जी को मिक्स, इसे ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। चेक, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं आप। हम ढक के 15 मिनट तक पकाएंगे। हमारा सब्जी बनके रेडी है, एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा मटर आलू की सब्जी बनके रेडी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे चावल रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।